तो so, दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि इंस्टेंट पर्सनल लोन जो है आप कैसे ले सकते हैं अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से ही आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप इस अपलिकेशन से जो है आप यहाँ पे पचास तक का जो है आप लोन ले सकते हैं और यहाँ पे ओनली के का भी ऑप्शन है जो कि आप ओनली के के थ्रू जो है आप एक से लेकर जो है पंद्रह तक जो है आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे जो है इस से लोन के लिए अप्लाई करना है और क्या सब आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा क्या चीज़ सबमिट करना पड़ेगा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो अगर आपको लोन की जरूरत है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो इसके लिए आपको क्या करना है तो सबसे पहले जो है आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जो कि आपको इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं जो कि ये अपलीकेशन का नाम जो है ट्रू बैलेंस है तो आप लिंक से जरूर डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर रजिस्टर्ड है यानी कि जो ये अप्लीकेशन आर रजिस्टर्ड है तो आप इस अप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या

अगर आप जो है इस एक में पहले से अकाउंट नहीं बनाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा देख सकते हैं डोंट जाता है डोंट हैव एन अकाउंट तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे ओ का ऑप्शन आ जाता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और ओ के थ्रू जो है आप लॉग कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ पासवर्ड डालने के बाद जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा देख सकते हैं राइट साइड में एरो का तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप जो है इस एप्लीकेशन में लॉग हो जाएंगे मोबाइल नंबर के थ्रू जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो हम यहाँ पर बैक कर लेते हैं बैक करने के बाद हम यहाँ पर दोबारा से जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको जो है बैक होने के बाद दोबारा से इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है कैश लोन पर और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले टॉफ कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ जाता है गेट लोन पचास हजार रुपया इन जस्ट फाइव मिनट यानी कि जो है पांच मिनट के अंदर अंदर जो है आपका लोन अमाउंट हो जाएगा और यहां पे तो लिखा हुआ आ जाता है मैं आपको दिखा देता करके उसके बाद यहां देख देखते हैं फुल डिजिटल प्रोसेस सौ परसेंट सौ परसेंट पेपरलेस यानी कि जो है आपको यहाँ पे किसी भी तरीके जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो देख सकते तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो कंप्लीट योर केवासी डॉक्यूमेंट यानी आपको सबसे पहले केवासी कंप्लीट करना होगा बाद जो है यहाँ पे लोन ऑफर का ऑप्शन है उसका जो है आपके बैंक पैसा क्रेडिट हो जाएगा तो करना क्या है इसके लिए आपको सबसे पहले टर्म कंडीशन है पर टिक करना है एंड उसके बाद जो है आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है पैन नंबर डालने का देखते हैं यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है जो भी आपका पैन नंबर है और पैन नंबर डालने के बाद जो है यहाँ पे देखते हैं आधार नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है तो आधार नंबर डालना है और उसके बाद जो है आपको ओ के थ्रू जो है यहाँ पे सबसे पहले के वाई सी कंप्लीट कर लेना है तो चलिए मैं यहाँ पे जो है आधार नंबर डाल देता हूँ जैसे कि पैन नंबर डालकर हम यहाँ पे के वाई सी कम्प्लीट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है के वाई सी जो कम्प्लीट होता है तो यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो जाता है तो मैं यहाँ पे के वाई सी कम्प्लीट कर लेता हूँ केवाईसी कंप्लीट करने के बाद जो है आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको अमाउंट सेलेक्ट करना होगा कि आप जो है यहाँ पे कितना अमाउंट जो है लोन लेना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे चालीस हजार रुपया कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है देख सकते हैं ई का कि आप थ्री मंथ के लिए लेना चाहते हैं या सिक्स महीने के लिए तो मैं यहाँ पे सिक्स मंथ का प्लान सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद जो है आपको इंटर का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे इंटर पे क्लिक करना है जैसे आप इंटर पर क्लिक कर देंगे उसके बाद जो है यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे शो कर जाता है कि आपका फर्स्ट ई कितना

तो आपको यहाँ पे सबसे पहले करना किया तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑकुपेशन उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जैसे कि मैं ऑकुपेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि सैलरी सेल्फ एम्प्लॉय स्टूडेंट हाउस वाइफ तो आपको यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ आप चाहे तो सेल्फ एम्प्लायज सेलेक्ट कर सकते हैं चलिए मैं स्टूडेंट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जैसे कि देख सकते हैं कि आपका जो है लोन का पर्पज़ क्या यानी कि आप लोन लेना क्यों चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे पर्पज़ पे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं मेडिकल बिजनेस तो मैं यहाँ पे मेडिकल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ आप चाहे तो कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है देख सकते हैं मेडिटल स्टेटस तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सिंगल हैं या आप मेरिड हैं आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एजुकेशन लेवल यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एजुकेशन लेवल तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपका एजुकेशन क्या है जैसे कि मैं यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट किया हूँ आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि टेंथ का ट्वेल्थ का ये सब ऑप्शन आ जाते हैं तो आप जो भी है आपको सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है हॉस्ट टैप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका खुद का घर है या आप रेंट पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो जैसे कि मेरा खुद का घर है तो मैं यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करता हूँ इसके बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अकूपेशन टैप आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑकुपेशन का ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्टूडेंट जैसे कि मैं पहले ही सिलेक्ट कर लिया हूँ और उस बाद जो है यहाँ पे स्कूल का नाम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि स्कूल का नाम आपको सेलेक्ट करना है कि किस स्कूल से जो है आप एजुकेशन यानी कि क्वालीफाई हुए हैं तो यहाँ पे स्कूल का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैं पहले से नाम डाल दिया हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे आप नीचे एसकॉल करेंगे तो यहाँ पे मंथली इनकम का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है मंथली इनकम तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप यहाँ पे मंथली इनकम डाल सकते हैं तो आप डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं जैसे कि मैं यहाँ पे दस हज़ार रुपया कुछ इस तरीके से डाल देता हूँ एंड उसके बाद जो है आपको टर्म्स कंडीशन पे टिक करना है क्योंकि यहाँ पे जो है लोन लेने के लिए आपको ये अमाउंट डालना ही पड़ेगा तो आपको ये सब कर देना है उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको यहाँ पे जो है ईमेल आईडी डालना है जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल डालने का ऑप्शन मिल जाता है तो ईमेल आईडी डालना है और नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो चलिए मैं यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर लेता हूँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर चुके हैं उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा यस आई कन्फर्म तो आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा देख सकते हैं कि ईमेल आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे राइट right साइड में वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और जैसे आप स्किप कर लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेक हो रहा है कि आपको यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग चलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे लोन अप्लाई हो चुका है कुछ देर के बाद जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आपको जो है जैसे ही आप दोबारा से अप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको कितने का लोन अमाउंट जो है अप्रूव हुआ है जैसे कि यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफाई देख सकते हैं नोटिफाई अप्रूव यानी कि जब आपका लोन अमाउंट अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर आपका शो कर जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है ऑलमोस्ट डन यानी कि जो है यहाँ पर सब कुछ डन हो चुका है बस यहाँ पर नोटिफिकेशन आना बाकी है कि आपको कितने का लोन अमाउंट अप्रूव हुआ है तो आप यहां पे देख सकते हैं जैसे ही आप लोन अमाउंट आपका अप्रूव हो जाएगा सारा डिटेल आपका वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जो है आपको बैंक अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और उसके बाद जो है जितना भी लोन अमाउंट आपका अप्रूव हुआ होगा उतना अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा तो आप कुछ इस तरीके से जो है आप ट्रू बैलेंस से इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय